फिरोजाबाद शहर के थाना उत्तर इलाके के डाकखाने चौराहे के पास की है, जहां मंगलवार की देर रात करीब 1:30 बजे एक शोरूम में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंच गई। पुलिस और फायर फाइटर को बेकाबू आग पर काबू करने के लिए दीवार तक तोड़नी पड़ी। आग लगने की मुख्य वजह बिजली शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। पुलिस और फायर फाइटरों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बेकाबू आग पर काबू पाया जा सका। बताया जाता है श्री कृष्णा सैनिटरी एंड टॉयलेट शोरूम में अचानक भीषण आग की लपटों ने घेर लिया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। भीषण आग में करीब कई लाख रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। फिरोजाबाद से देखिए राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। क्या नाम है? दुर्गेश कुमार जी, कहाँ आग लगी थी, अब क्या स्थिति है? ये बड़ा डाकखाना चौराहा है, सर्कल रोड फिरोजाबाद में, फर्नीचर की दुकान जो थी हर फ्लोर पर उसमें आग लगी। इसकी सूचना पर खास फिरोजाबाद को थी, घटना से 3 गाड़ियाँ आई, लगभग 1 घंटे की मशक्कत आग को। अब आग पर नियंत्रण है? आग पूरी तरीके से बुझा दी है। प्लाईवुड क्या नाम से शॉप थी, क्या मामला हुआ था? क्या कृष्णा प्लाईवुड है ना, हार्डवेयर की। क्या क्या बात हो गई थी? ये हुई है, अभी फोन आया था, यहाँ से धुआं निकला है, यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने फोन किया, तो हम तुरंत आए हैं यहाँ पर, तो देखा है कि यहाँ पर पूरी तरह धुएं से बिल्डिंग पूरी तरह से बिल्डिंग पे धुआं। आग का कारण पता कैसे आग लगी? ये जो डाउट जा रहा है इन्वर्टर की शॉर्ट सर्किट से। कितने का नुकसान हो गया? नुकसान अभी तो अनुमान लगाया नहीं है, वैसे मतलब लगता है कि 4-5 लाख रुपए का इसमें नुकसान है। कौन सी जगह है? डाकखाना थाना कौन सा पड़ता है? ये थाना उत्तर। आग पर काबू पाया है? नहीं। आग बुझ गई? नहीं बुझी। आग बुझ गई।